बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी के गठन की आधिकारिक घोषणा कर दी है। पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर ने पार्टी का ऐलान किया और कहा कि यह पार्टी जाति धर्म से ऊपर उठकर बिहार के विकास के लिए काम करेगी। इस कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने मनोज भारती को जन स्वराज पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। आपको बता दें कि मनोज भारती का जन्म मधुबनी में हुआ और वे आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए हैं। उन्होंने कानपुर आईआईटी से बीटेक और दिल्ली आईआईटी से एमटेक की पढ़ाई की है। 1988 में वे यूपीएससी के लिए भी क्वालिफाई हुए थे और भारतीय विदेश सेवा की नौकरी की। वे भारतीय विदेश मंत्रालय में स्पेशल सेक्रेटरी का पद भी संभाल चुके हैं। इंडोनेशिया सहित कई देशों में वे राजदूत रह चुके हैं। IC-814 विमान जब अपहरण हुआ था तब मनोज भारती काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में भी तैनात थे। प्रशांत किशोर ने मनोज भारती के नाम का ऐलान खुद किया। दल का नेतृत्व जिसको दे रहे हैं, कार्यवाहक तो अध्यक्ष जिसको नियुक्त किया जा रहा है, देखिए कैसे सब एकदम ध्यान से सुनने को खड़ा हो। अपना बच्चा का बात हुआ तो सो रहा था, आज जैसे बोले कि दल का अध्यक्ष घोषित कर रहे हैं तो देखिए कैसे सजग हो गया। तो जो अभी दल के अध्यक्ष बनेंगे उनका परिचय कराऊं, उससे पहले आपको बता रहा हूं कि ये कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, इनका चुनाव मार्च तक फिर से किया जाना है, लेकिन 2 अक्टूबर को हमने आपसे वादा किया था कि दलित समाज का, हमने नहीं कहा था, हमारे सारे साथियों ने कहा था कि दलित समाज का कोई व्यक्ति, दलित समाज का कोई व्यक्ति इस दल का नेता बनेगा। इसलिए नहीं कि वो दलित है, इसलिए नहीं कि कोई अति पिछड़ा है, इसलिए कि वो सबसे काबिल आदमी है जो दलित भी है। ये फर्क समझिए, नेता का नाम सुनने से पहले इस फर्क को समझिए। जब हमने कहा कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी तो लोगों ने कहा कि ये भी तो वही जात पात बतिया रहे हैं। नहीं, जन स्वराज में जात पात के आधार पर जगह नहीं मिल सकता है, लेकिन जन स्वराज की सोच है कि हर समाज में काबिल आदमी है और हर काबिल आदमी का कोई ना कोई जाति है, समाज है। तो अगर बनाने वाले के नियत में, बांटने वाले के नियत में खोट ना हो तो ये बिल्कुल संभव है कि काबिल लोगों के बीच से जिस समाज की जितनी संख्या है उतने काबिल लोगों को लाकर जगह दे दी जाए। तो अभी जिनका मैं नाम ले रहा हूं, हमारे साथी जिनको ये जिम्मेवारी दे रहा हूं, सभी से सलाह करने के बाद जिनके नाम पर सबकी सहमति है, वो सज्जन यहां मधुबनी के हैं, मधुबनी के गांव में पैदा हुए, यही सरकारी विद्यालय से पढ़े, जमुई के सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ ये बच्चा नेतरहाट गया। नेतरहाट से पास होने के बाद आईआईटी कानपुर गए और आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने, फिर वहां से आईआईटी दिल्ली गए, वहां से एमटेक करना शुरू किया। इसी बीच में इंडियन फॉरेन सर्विस में भी सेलेक्ट हो गए। तो बिहार के इस मिट्टी के लाल के सम्मान में जिनका नाम है मनोज भारती, मैं एक बार चाहूंगा कि सब लोग ताली बजाकर स्वागत कीजिए और दल के अध्यक्ष के तौर पर जोरदार ताली बजाइए।
दल के अध्यक्ष के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी जो अनुसूचित समाज के हैं लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। प्रशांत किशोर नेतरहाट का परीक्षा 2 बार दिए नहीं पास कर सके, ये भाई साहब पास किए हैं। प्रशांत किशोर आईआईटी नहीं गए हैं, ये आईआईटी गए हैं। प्रशांत किशोर आईएएस आईपीएस आईपीएस आईएफएस नहीं है, ये सज्जन आईएफएस रहे हैं। 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बिहार का गौरव बढ़ाया है। बेलारूस में, यूक्रेन में, इंडोनेशिया में, तिमोर लास्ते में, 4 देशों में ये भारत के राजदूत रहे हैं। और भारत में भारतीय समाज के फिलॉसफी पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियां भी मौजूद थी, जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, राजनयिक से नेता बने पवन वर्मा और पूर्व सांसद मोनाजीर हसन शामिल थे। प्रशांत किशोर ने चंपारण से शुरू की गई अपनी पदयात्रा के 2 साल बाद यह पार्टी बनाई है।